नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। कश्मीर सिंह ने लगाया आरोप, कहा सरकार बदली है लेकिन जन विरोधी नीतियां नहीं। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा किया गया अधिवेशन का आयोजन, शिक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण पर चर्चा। केवल सिंह पठानिया ने लगाए बीजेपी पर आरोप, कहा पहले खुद के गिरेबान में झांके भाजपा। और अपंग लोगों को दे प्यार, इन्हें अपनों के प्यार की है जरूरत, नफरत की नहीं। भाजपा के नेता आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अनाप शनाप टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन जबकि उनको देखना चाहिए कि पिछले 5 सालों में अपने कार्यकाल में भाजपा नेताओं ने क्या कुछ किया है। यह बात कह रहे हैं बैजनाथ में पत्रकारों से बात करते हुए केवल सिंह पठानिया। पठानिया ने कहा कि भाजपा के नेता जिस मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं, वे 3 बार न्यायालय से पाक दामन निकले हैं। उसके बाद ही प्रदेश की जनता ने उनकी स्वच्छ छवि को देखते हुए 6ठी बार प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना है। इससे पूर्व बचाए कोलिशन गवर्नमेंट रही हो, तब भी भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी लोगों ने कोशिश की थी कि राजा वीरभद्र सिंह को किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए। फिर पूरे 5 साल, हम तो कहते पिछली बार कोलिशन गवर्नमेंट थी तो उनकी थंपिंग मेजोरिटी से गवर्नमेंट थी, लेकिन जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने 24 तारीख को, वो पाक दामन साफ होकर निकले। न्यायालय ने भाई जित भरी, ये पहली बार नहीं किया है न्यायालय ने। पहले ने CBI में और अभी हाल ही में जिस दिन उन्होंने ओथ लेनी थी, ओथ लेने से एक दिन पहले भाई इज्जत न्यायालय ने उनको बरी किया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों के नेताओं के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी जारी हो गए हैं। बीजेपी के नेता जहां कांग्रेस को कोसने में मशरूफ है, वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं। भला फिर कांग्रेस के नेता बीजेपी पर कीचड़ उछाड़ने से कैसे पीछे रह सकते हैं? ऐसा ही नजारा बैजनाथ में शनिवार को देखने को मिला, जहाँ पर केवल सिंह पठानिया ने जमकर बीजेपी को कोसा। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए केवल सिंह पठानिया ने HPCA अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से पूछा कि वह बताएं कि असली HPCA कौन है। उन्होंने आरोप लगाया है कि HPCA के कार्यकाल में झूठे प्रमाण पत्रों के सहारे बाहरी लोगों को रणजी खिलाया गया। बताएं वाला जो HPCA, बजाय इसके कि नॉन हिमाचलियों को हिमाचल के जो इनकी प्रसारण या फ्रॉड बोनोफाइड देकर यहाँ उनको सिलेक्ट करते रहे। मैं तो यही मानता हूँ कॉरपोरेशन भी कटाई भी तभी होगी जब बन लगेंगे। तो प्रथम कर्तव्य हमारा यही है कि हमने प्रदेश की जनता से, वो सब जगह आजकल सर्कल लेवल के, ब्लॉक लेवल के और वन महोत्सव चले। केवल सिंह पठानिया ने बताया कि वन निगम में विपिन की आवश्यकता है और इस पर कार्य किया जा रहा है ताकि वन निगम अधिक लाभ कमा सके। आपको बता दें कि देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राज्य की दोनों पार्टियां लोगों को रिझाने में जुटी हुई है। वहीं दोनों पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी खासी मशरूफ हो गई हैं। के न्यूज के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। किसान विरोधी जो नीतियां राज्य में चल रही हैं, उन नीतियों के खिलाफ 25 सितंबर को शिमला में संयुक्त रूप से एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा। यह बात कश्मीर सिंह ठाकुर ने मंडी में 2 दिवसीय बैठक के दौरान दी। कश्मीर सिंह ने बताया कि सरकार से प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को भी रखा जाएगा, जिसमें और भी कई मांगे रखी जाएंगी। कि नीतियां मजदूर विरोधी हैं और इन नीतियों के खिलाफ जो है हमें संघर्ष की दिशा में आगे जाना चाहिए। और इस राज्य कमेटी की मीटिंग में ये निर्णय हमने किया है कि हम 25 सितंबर को संयुक्त रूप से शिमला में बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इसके साथ साथ सारे जिलों पर भी प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि 10,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू करो, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को रेगुलर करो और पंजाब के बराबर वेतन उनको दो और सभी मजदूरों को पेंशन के दायरे में लाओ। प्रदेश में श्रम कानून को लागू करने की दशा बहुत ख़राब है और सरकार बदलने के बाद भी श्रम कानूनों को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। को लागू करने की दिशा में, जिसमें न्यूनतम वेतन लागू करना, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना, उनको आई कार्ड देना, डबल ओवर टाइम देना, ये सारा इसके अंदर आता है।
बैठक के दौरान कश्मीर सिंह ने बताया कि सरकार आंगनवाड़ी वर्करों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेशक सरकार बदली हो, लेकिन सरकार की नीतियां नहीं बदली हैं, क्योंकि दोनों सरकारें सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का शोषण ही करना जानती हैं। जो मिड डे मील वर्कर्स है, सरकार का नीति जो है इसके अंदर जो है उनके शोषण का ही नीति है। 1000 रुपये देकर जो है 3 सारा महीना काम करवाया जा रहा है, उनको कोई छुट्टियाँ नहीं दी जाती और वेतन बढ़ाने की दिशा में भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। सरकारें बदल गई परंतु मजदूरों के प्रति उनका रवैया बदला नहीं है। इसलिए जो है हमने ये निर्णय किया कि 25 सितंबर को ये अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 12 नवंबर को CITU प्लस अन्य जो जन संगठन है, जो हमारे ब्रादराना संगठन है, उनके साथ मिलकर जो है शिमला में स्केटिंग रिंक में बहुत ज़बरदस्त एक रैली की जाएगी, जिसमें हमारा टारगेट है कि 20,000 के करीब वर्कर जो है उस रैली में पार्टिसिपेट करें और सरकार का हिलाएं सरकार को। यही नहीं, कश्मीर सिंह ने यहां तक कहा कि यदि सरकार 25 सितंबर तक उनकी मांगों को नहीं मानती तो वो 12 नवंबर को दूसरे संगठनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेंगे। गौर रहे कि सीटू लंबे अरसे से सरकार से मांग कर रही है कि वे कर्मचारियों और किसानों के विरोध में नीतियां ना अपनाएं। सीटू नेताओं की माने तो सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन नीतियां दोनों सरकारों की एक ही रहती हैं। और वहीं सीटू ने अब सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए भी अपना मन बना लिया है। मंडी से के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मि डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मि डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड सन, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स, फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071 01905241313। शनिवार को मंडी में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस 2 दिवसीय अधिवेशन में जहां शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर चर्चा की गई, वहीं पर्यावरण और आपदा से कैसे निपटा जाए इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि ज्ञान विज्ञान समिति पिछले 22 वर्षों से कार्य कर रही है। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा मंडी में 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों से लोगों ने भाग लिया। वहीं लोगों में इस अधिवेशन को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। अधिवेशन के मौके ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि यह समिति शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विषय पर चर्चा की जा रही है। अधिवेशन के मौके ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि इस समिति में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विषय पर चर्चा की जा रही है, जिसमें राज्य के अलग अलग जिलों से लोग भाग ले रहे हैं। आज हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति का 2 दिवसीय राज्य अधिवेशन की शुरुआत हुई है, जिसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के 70 के करीब लोग इसमें भागीदारी दे रहे हैं। इसमें जो भी कार्यक्रम आने वाले समय में, चाहे वो शिक्षा हो, सतत शिक्षा हो, साक्षरता हो,
स्वास्थ्य हो या महिलाओं के मुद्दे हों या पर्यावरण के मुद्दे हों, उन सब पे बातचीत की जाएगी। और इस पे ये भी बातचीत की जाएगी कि इस कार्यक्रम को कैसे जनता तक ले जाएं, जिससे कि जनता जो है जो इसके इन मुद्दों से प्रभावित हैं वो इसका फ़ायदा उठा सके, और आने वाले समय में किस तरह से दूसरे जन संगठनों के साथ जुड़ के किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करते हुए आगे हम बढ़ाएंगे, प्रदेश के हर एक जगहों पे जाएंगे, उस पे भी इसमें चिंतन किया जाएगा। और इसमें पूरे प्रदेश भर से 10 जिलों से लोग भागीदारी दे रहे हैं। वहीं अधिवेशन में भाग ले रहे सदस्य ने बताया कि हिमाचल में ज्ञान विज्ञान समिति पिछले 22 सालों से कार्य कर रही है और इसमें पर्यावरण और आपदा जैसे मुद्दे से निपटने के लिए चर्चा की जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल के विभिन्न जिलों में जो भूस्खलन जैसी विपदाएं आई हैं और कैसे उनसे निपटा जा सके, उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इसमें हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति जो है वो स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके ऊपर पिछले 22 वर्षों से काम कर रही है, और पिछले 22 वर्षों में संगठन में या किन मुद्दों पे काम करना चाहिए वो उस पे विस्तार से चर्चा करने के लिए पूरे प्रदेश के सभी 12 जिलों से प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, और दो दिनों में विभिन्न जो विषय हैं संगठन के, जो विषय हैं संगठन के विस्तार के लिए, संगठन किस तरह के काम आने वाले समय में करेगा उसके लिए यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश के भी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे जिला मंडी के धर्मपुर जंजाड़ी सराज के क्षेत्र में या भी धर्मशाला में जो ये भूस्खलन के कारण जो नुकसान हुआ है और ये सारी जो विपदा है ये मानव द्वारा निर्मित हैं, इनके ऊपर भी पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा। और आने वाले दो दिनों में प्रदेश से जो हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के जो कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, समाज से जितने भी जुड़े हुए सरोकार हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे आने वाले समय में संगठन का विस्तार किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। गौर है कि इन दिनों जगह जगह प्राकृतिक आपदाएं अपना कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा जो पर्यावरण से बचने के लिए अधिवेशन किया जा रहा है, इससे न केवल लोग जागरूक होंगे बल्कि लोगों को फायदा भी मिलेगा। केडी उसके लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लंबाथाज महाविद्यालय को बने हुए वैसे तो 6 साल हो गए हैं, लेकिन स्वराज कॉलेज में छात्रों को सुविधा ना होने की वजह से इन्हें दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन कॉलेज प्रशासन सब कुछ जानकर भी अनजान क्यों बना हुआ है, यह एक प्रश्न है। आपको बता दें कि स्वराज घाटी का यह कॉलेज एक प्राथमिक पाठशाला के भवन में सन 2007 से चल रहा है और अभी भी जस का तस है। सराज महाविद्यालय लंबाथाज के विद्यार्थी बरसों से भारी असुविधाओं से दोचार हो रहे हैं। इस महाविद्यालय की स्थापना 2007 में हुई थी। कॉलेज को खुले हुए 6 वर्ष से अधिक समय हो रहा है, लेकिन विद्यार्थी अभी तक बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। सबसे अनोखी बात यह है कि यह महाविद्यालय एक प्राथमिक पाठशाला में भवन में 2007 से चल रहा है, जिसमें छात्रों को बैठने तक की भी उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसा कॉलेज हिमाचल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही शायद एक होगा। महाविद्यालय ऐसी संकरी जगह पर है जहां सर्दियों में धूप न आने से 3-4 महीने बर्फ जमी रहने के कारण बच्चे ठंड से ठिठुरते रहते हैं। वहीं बरसात में प्राइमरी स्कूल भवन की छतों के टपकने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, साथ ही नदी के मुहाने पर स्थित होने के कारण बाढ़ का भी खतरा बनता है। उधर विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ शौचालय की उचित व्यवस्था नहीं है और न ही पानी की। यहाँ तक कि छात्र छात्राओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है क्योंकि शौचालय की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ये हमारे कॉलेज की टॉयलेट है। हम लोग यहाँ बात करते हैं कॉलेज लेवल, हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में हुआ करते तो हमारे प्राइमरी स्कूल जब प्राइमरी लेवल में होते थे तो वहाँ पे इससे भी अच्छी कंडीशन थी हमारे सामने। तो आज देखिए हम कॉलेज में आए, देखिए हमारे टॉयलेट्स हैं, आज ये कंडीशन हमारे साथ में, और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल बाढ़ आने का खतरा है, यहाँ पे पानी अंदर आ सकता है और यहाँ पे ग्राउंड भी खराब, और ये देखिए जहाँ पे हमारे क्लासेस लगती हैं वहाँ पे रूम भी बिल्कुल सड़े पड़े हैं, पानी आता है अगर वर्षा का मौसम होता जब होता है तो पानी अंदर आता है और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये बात इस साल की नहीं, पिछले साल की नहीं, बल्कि वर्षों से हम लोग आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि हमारा कॉलेज की बिल्डिंग आप तैयार कीजिए, लेकिन हमारी बात हर साल वहीं पर सुनी जाती है। और हम सराज महाविद्यालय के कॉलेज में जो शौचालय दिखाई दे रहे हैं इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। हम कॉलेज आते हैं
तो लड़कियों के लिए खासकर बहुत ही मुश्किल होता है कि वो कहाँ जाए, या तो उन्हें खुले में जाना पड़ता है या तो इन ऐसे में उनको जाना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रदेश सरकार से विनम्र निवेदन है कि वो इसके बारे में कुछ कदम उठाए। हम वर्षों से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे कॉलेज में कुछ हो, कॉलेज की बिल्डिंग तैयार हो। हम लोगों को प्राइमरी की कमरों में बैठना पड़ता है। अगर बरसात का मौसम हो तो ऊपर से पानी टपकता रहता है, जिसके कारण हम क्लासेस नहीं लगा पाते हैं। विद्यालय भवन की स्थिति पर यदि गौर किया जाए तो इसकी स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। उल्लेखनीय है कि इस भवन में आरंभ से ही कॉलेज शिक्षाएं चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर रंग रोगन और व्हाइट वॉश तक नहीं हुआ, जिस पर अंकित प्राथमिक शिक्षा से संबंधित स्लोगन साफ देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के भवन का निर्माण नहीं हो रहा, यहाँ कॉलेज के एक विशाल भवन का निर्माण कार्य 22 फरवरी 2009 से चल रहा है, जिसका शिलान्यास पूर्व शिक्षा मंत्री ईश्वरदास धीमान ने किया था। लेकिन लोगों और विद्यार्थियों का कहना है कि 4 वर्ष से भी अधिक का समय होने के बाद भी भवन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कार्य अभी भी कछुआ गति से चल रहा है। के न्यूज के लिए जंजहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरी फोर्स बोर्डर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्बो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है, साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। द न्यू फोर्स फॉर अ न्यू इंडिया। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के-न्यूज़। 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 सबसे पहले श्रावण मास के चलते भगवान शंकर को खुश करने के लिए जगह जगह खीर के लंगर आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह भोले बाबा को प्रसन्न करने में लोग जुटे हुए हैं। इसी उपलक्ष्य पर शनिवार को रेडी फड़ी यूनियन द्वारा भी लोगों के सहयोग से खीर का भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। श्रावण मास जारी है, ऐसे में कहा जाता है कि अगर भगवान को खुश करना हो तो उनका प्रिय मिष्ठान खीर का भंडारा लगाया जाए। कुछ ऐसा ही शनिवार को छोटी काशी में देखने को मिला। रेडी फड़ी यूनियन द्वारा लोगों के सहयोग से खीर का लंगर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और शिव के प्रिय मिष्ठान को बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। इस अवसर पर लोगों ने बताया कि श्रावण के महीने में खीर का आयोजन आवश्यक है। कहा जाता है कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ खीर के भंडारे से भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं रेडी फड़ी यूनियन द्वारा 7 क्विंटल दूध की खीर बनाई गई और श्रद्धालुओं के बीच वितरित की गई। जो आयोजन खीर का किया जा रहा है, हमारे रेडी फड़ी वालों द्वारा शो किया गया है, और आज हमारा जो यहाँ प्रोग्राम चला हुआ है, इसमें हमारा
क्विंटल दूध लाया गया था और इसकी खीर हमारे सभी लोगों को परोसी जा रही है। खीर भंडारे के आयोजकों के अनुसार वे हर वर्ष खीर भंडारे का आयोजन करते हैं और भगवान भोले के मिष्ठान खीर को श्रद्धालुओं के बीच वितरित करते हैं। मैं तो मजूरी की उस भोले शंकर की कृपा से जो हम हमारी हैसियत है उस हिसाब से जैसे हमारी कमेटी हमने अपना भगवान भोले शंकर के नाम से हम कबूल कर रहे हैं, भेज रहे हैं भगवान को और भगवान की कृपा चाहिए और सबका भला चाहिए। हम यही चाहते हैं कि सर्व का भला हो, भगवान जो भी खाए प्रभु तेरा गुरु गाए। हमें भोले शंकर से यही बेनती है प्रभु सबका भला, जो हमारे जितने भी रेहड़ी वाले हैं इन्होंने जितनी भी कैपेसिटी है 50 है 200 है जनता इकट्ठा किया तो उस प्रकार से हम इस खीर का भंडार किया। इस भोले शंकर की कृपा है भाई, ये जो है खीर का भंडार शाम तक 7 बजे तक खत्म नहीं होगा, इतनी भगवान की कृपा है भाई, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये भगवान भोले शंकर की कृपा है। गौर रहे कि यह पूरा महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाती और कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हैं ताकि उनकी सारी इच्छाएँ जल्द से जल्द पूरी हो सकें। मंडी से कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं कि खुदा अगर किसी से कुछ छीनता है तो उसे जीने का रास्ता भी दिखा देता है, बस जरूरत है तो हौसला बनाए रखने की, हिम्मत की। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाले हैं जो है तो अपंग लेकिन उसमें दुनिया को देखने का जज्बा आज भी कायम है। ये है लुधियाना निवासी कन्हैया। इसे देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये शख्स क्या है और इसकी हालत कैसी है। वो भले ही अपंग है लेकिन खुद जीने का साहस रखता है। जी मैं आए गुजारा करता जी, 20 मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जी, ते मम्मी पापा तो है नहीं, भाई भैन है गे आ, ते वो भी की कहते ने जे साढ़े तो कहते भी कितने सानू तू पैसे ले आके दे। कन्हैया को ना ही तो माँ बाप का प्यार मिला और ना ही उसे कोई सपोर्ट करने वाला है और ना ही उसका हौसला अफजाई करने वाला है। जो भाई बहन है वो सिर्फ पैसे मांगने वाले हैं। कन्हैया का कहना है कि उसके भाई बहन सिर्फ उसे पैसे मांगते हैं क्योंकि उसे जीना तो है ही। जी हाँ, वो यही कहते भी सानू पैसे ले आके दो, तो मैं यही सोचा जी भी जब मैं अपना सारा वजन मैं आप ही उठा लूंगा तो मैं दूजे की लोड ही नहीं है फिर। वैसे तो सरकार अपंग बच्चों को हर प्रकार की सुविधा देती है लेकिन कन्हैया को तो पंजाब सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। सुविधा के नाम पर उसे कुछ भी नहीं मिला, अगर कुछ मिला है तो वो है शोषण। आज दुनिया में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो शरीर से तो अपंग है लेकिन दिमाग से नहीं, वहीं उन्हें जब अपनों की जरूरत होती है तो ना जाने लोग अपनों से मुँह क्यों मोड़ लेते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि अपनों को रुलाओ मत, अपनों को प्यार दो, खासकर अपंग लोगों को, क्योंकि उन्हें हमारी और आपकी जरूरत है। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ लोकेश की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।